सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए। कल का पार्ट वन वीडियो हमने देखा था, यह आपका पार्ट टू वीडियो है, ठीक है। यह आपके पीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कल का जो क्लासेस देखा था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा सीजीपीएससी प्री एग्ज़ाम या व्यापम की तैयारी के लिए, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को होने वाला है सीजीपीएससी प्री का, ठीक है। एक बार अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने कल देखा था छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। और आज का जो क्लास होगा, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, यानी कि सभी क्लास जो पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों का। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर चैनल पर नए हैं तो वो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बस्तर के किस छिंदक नागवंशी नरेश को कलचुरी राजा जाजल्य देव ने प्रथम ने पराजित किया था। तो आप सभी बताइएगा कि बस्तर के किस छिंदक नागवंशी नरेश है जो कि कलचुरी के राजा जाजल्य देव प्रथम ने पराजित किया गया था, ठीक है। ये आपके पीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, और व्यापम का। मैं डायरेक्ट पीएससी और व्यापम की ही तैयारी करवाता हूँ, अदर की तैयारी नहीं करवाता। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ओके। ये आपका पार्ट टू वीडियो है। मैं एक छोटा सा प्रयास लेकर आया हूँ कि आप रिवाइज करते जाइएगा टेस्ट के रूप में, ठीक है। इसका आंसर सभी लोगों ने डी दिया है, सोमेश्वर देव, और सभी का आंसर डी आया है, बिल्कुल सही है। आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था। तो आप सभी बताइएगा कि 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था। इसका आंसर सभी लोग सी दे रहे हैं, वामन राव लाखे जी, ठीक है। वामन राव लाखे 90% लोगों ने आंसर सी आंसर दिया है। ये टेस्ट क्लास चल रहा है, आपका पार्ट टू वीडियो है। जब एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, है ना, ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर सी है, बिल्कुल सही है। और 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा पंडित वामन राव लाखे ने फहराया था। छत्तीसगढ़ में अंचल में सहकारी आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 1920 में बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया है। तो इसका आंसर बहुत लोगों का 70% आ रहा है, क्या आ रहा है, चलिए आप लोग बताइएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बताइएगा क्या आएगा। चलिए इसका आंसर बहुत लोगों ने सही दिया है, बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। मैं इसका डिटेल आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो 37 दिनों तक चली थी यह हड़ताल मजदूर आंदोलन। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मजदूर हड़ताल अपना कितना दिन तक चला था, तो आप बताइएगा 37 दिनों तक यह हड़ताल मजदूर आंदोलन की इतिहास में देश की सबसे लंबी और सफल हड़ताल मानी जाती है, ठीक है। देश का सबसे लंबी और सफल हड़ताल माना जाता है, ठीक है। ये देखिए, मैं टोटल आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके पीएससी एग्ज़ाम में आता है। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्या पता आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही रिलेटिव क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामन राव लाखे ने किस वर्ष में रायपुर को ऑपरेटिव सेंटर बैंक की स्थापना की थी। चलिए कमेंट करके बताइएगा, 1911, 1912, 1913 या फिर 1914, क्या आएगा कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, 1913। 90 लोगों का आंसर सही आया है और 10% लोगों का आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करिएगा। मैं इसका डिटेल बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। छत्तीसगढ़ में जो सहकारिता के सूत्रधार है पंडित वामन राव लाखे, एक बार देखिएगा, एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन पूछता है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार कौन है, आप बताएंगे पंडित वामन राव लाखे जी। और 1913 में रायपुर को ऑपरेटिव सेंटर बैंक की स्थापना किया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, कलचुरी और मराठाओं की जो प्राचीन राजधानी थी वो गौरव किसने प्राप्त किया था, ठीक है। इसका आंसर सी आया है, रतनपुर, और 70 लोगों ने इसका आंसर दिया है।
देखिए कलचुरी और माठा की वो मैं आपको बताया था और इसकी आरंभिक राजधानी तुम्मान थी, ठीक है। और कलचुरी वंश का जो इस प्रारंभ हुआ था 1000 ईसा पूर्व में, कब प्रारंभ हुआ था 1000 ईसा पूर्व में, और इसके संस्थापक है कलिंग राज, ठीक है, कलिंग राज, ठीक है। ये पार्ट वन वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताया हूँ। आप कलचुरी वंश क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया कलचुरी वंश, या आपके सामने लिखा हुआ कलचुरी वंश वीडियो, ठीक है। हाँ, और 30 से 35 या फिर 35 से 40 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ CGPSC प्री एग्ज़ाम के लिए, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वो वीडियो आपने नहीं देखा, कंटिन्यू लगातार 30 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। 70% गारंटेड रिलेटिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रिलेटिव, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर तो क्या आएगा, छत्तीसगढ़ के पराक्रमी वीर कचना ध्रुव किस जमींदार के अंतर्गत है। ये खोजी कौन लोग आंसर दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिंद्रावनगढ़ आएगा, बिंद्रा नवागढ़, ठीक है। ये आंसर क्या आएगा इसका बताइए, किस काकती नरेश के समय बस्तर राज्य में 1780 ईसा पूर्व में भोसले के अधीन करद राज्य बन गया, करद, ठीक है। हाँ बिल्कुल है दरिया देव, ठीक है, डिटेल एक बार देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं कि ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आंसर कराते चलूंगा, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, चलिए डायरेक्ट आपको आंसर करा रहा हूँ, ठीक है, टाइम नहीं है। तो दरिया देव काकती नरेश के जो समय बस्तर राज्य का 1780 ईस्वी में भोसलों के दिन करद राज्य बना, ठीक है। और प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस राजवंशी नरेश से हुआ था, आपका आंसर डी होगा, काकती नरेश अन्नम देव से, ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको करा रहा हूँ। इसका बताइएगा छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसके जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष में हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 1905 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम है, ये आपका आ जाएगा सोमेश्वर ए निपति भूषण, ठीक है, निपति भूषण है जो आपके पहला नागवंशी राजा है बस्तर का, छिंदक नागवंश जो राजे निपति भूषण के ही सोन की राजधानी भोगवती थी, ठीक है, भोगवतीपुरी, ठीक है। अब 20 जनवरी 1825 को जो परल कोट के विद्रोह में जो महल के सामने किस छत्तीसगढ़ में वीर नायक के ब्रिटिश सैनिक को फांसी पर लटका दिया गया था, ये आपका हो जाएगा सी शहीद गेंदा सिंह को, ठीक है, शहीद गेंदा सिंह हो जाएगा इसका आंसर सी, डायरेक्ट अब आपको आंसर करा रहा हूँ, ठीक है, याद करते जाइएगा, फिर वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं दोबारा देखने के लिए। तो देखिए मड़वा महल में भोरमदेव किस वंश के कला के नमूने हैं, मड़वा महल में यहाँ पर एग्जाम में पूछा है कि मड़वा महल में भोरमदेव के किस वंश की कला नमूना है, तो फणी नागवंश, छिंदक नागवंश, सोमवंश या फिर वाणवंश, तो इसका आंसर ए होगा, फणी नागवंश, जो हमेशा भोरमदेव पूछा जाता है तो फणी नागवंश आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, जो मड़वा महल है भोरमदेव फणी नागवंश की कला के नमूने हैं, जबकि मड़वा महल जिसे दुल्हादेव भी कहा जाता है, मड़वा महल को दुल्हादेव कहा जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मड़वा महल को क्या कहा जाता है तो आप बताएंगे दुल्हा, ठीक है। अब वर्ष 19 को जो महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार भूमकाल, ये आपका आ जाएगा आंसर सी कलेंद्र सिंह, ठीक है, क्या आएगा कलेंद्र सिंह, डिटेल देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो 1910 में महान क्रांतिकारी भूमकाल के जो सूत्रकार थे कालेंद्र सिंह, यह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व्यापक विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये वाला नहीं है, ये वाला देखते हैं, ठीक है। ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था, कब, कौन सा सन में, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा डी 18 जनवरी 1858, ठीक है, 18 जनवरी 1858, डिटेल देख लीजिएगा यहाँ पर, ये डॉक्टर या फिर ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ 18 जनवरी 1858 को विद्रोह किया था, जबकि मेजर सिडवेल की हत्या कर दी गई थी, कब, मेजर सिडवेल की हत्या किसने की थी, हनुमान सिंह ने, ठीक है। अब चलिए प्रसिद्ध सोना खान जमींदारी किस तहसील में थी, ये आपका आ जाएगा आंसर सी बलौदा बाजार, ठीक है, सोना खान यानी कि वीर नारायण सिंह है, वीर नारायण सिंह जी हैं, ठीक है, इसको कब फांसी दी गई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब दक्षिण कोसल के कलचुरियों के समय समकालीन बस्तर का कौन राजवंश था, ये आपका आ जाएगा आंसर बी, ठीक है, छिंदक नागवंश, डिटेल देख लीजिएगा। तो देखिए दक्षिण कोसल के जो समकालीन था बस्तर के छिंदक नागवंश, कलचुरियों के समकालीन, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, ये आपको 1910, ठीक है, आंसर यह होगा 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था, ठीक है, किसके शासनकाल में, कालेंद्र सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का सर्व बनाया था, चौराहों का, ये आपका आंसर आ जाएगा बी,
ये रुद्र प्रताप देव है जो कि चौराहों का सर टाउन हॉल बनाया गया था, ठीक है। अब बिलासपुर के सोमवंशी शासकों को पराजित कर किस वंश ने स्थापित किया था, तो ये आपका आ जाएगा आंसर है, ठीक है। और विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा के किस जिले में या किस गुफा में मिलता है, तो आप बताइएगा रानी गुफा, सीता गुफा, योगी महाराज की गुफा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, सीता गुफा, ठीक है। जो सीता गुफा विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष है जो सरगुजा जिले की सीता गुफा से प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ रुके थे, जिससे गुफा का नाम सीता बेगरा पड़ा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भोसले का जो शासन काल था कौन सा है, जल्दी बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। 30 सेकंड का आपको समय देता हूँ, 30 सेकंड का, चलिए कमेंट करें। चलिए कि इनका आंसर बी और सी आया है, तो देखिए 40% लोगों का बी और सी लोगों का 30%, मतलब बहुत लोगों का आंसर नहीं आ रहा, पता नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है, नॉन ऑब्वियस बोल रहे हैं, जबकि ये आंसर बी होगा 40% लोगों का, ठीक है। क्या आएगा ये तो मैं आपको बता दिया हूँ, पहला में ये बताइएगा क्या, इसको भी बता दिया हूँ। ये देखिए रायपुर जिला के राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ, रायपुर जिला का जो 1921, 1922, 23 या 1920, जल्दी से बताइए। इसका आंसर भी होगा ना मई 1922 में हुआ था, रायपुर जिला का जो राजनीतिक सम्मेलन 1922 में आयोजित हुआ था, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती है, ये आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, रतनपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रतनपुर की तुलना कुबेर से की जाती है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिला से प्राप्त हुआ है, चलिए बताइएगा किस जिले से प्राप्त हुआ है, ये आप सभी को मालूम है, बिलासपुर जिला है ना। चलिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई, ये आपका, ये भी आपको पता है 1910 में, ठीक है। चलिए देखते हैं चीनी यात्री युवांग चौंग छत्तीसगढ़ किस राजवंश के समय आया था, युवांग चौंग कौन सा आया था, ये आपका आएगा सी, पांडु राजवंश, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय का जमींदार थे, सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे, जी जल्दी बताइए क्या आएगा, संबलपुर, एक मिनट ना यहाँ पर देखिए, इसका आंसर आएगा संबलपुर, आंसर बी हो जाएगा, स्वतंत्र संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे, तो संबलपुर के जमींदार थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसका मैं डिटेल बता रहा हूँ, उसके बाद लास्ट देखेंगे। जो सुरेंद्र संबलपुर जमींदार थे, जबकि सुरेंद्र का जन्म 23 जनवरी 1809 में खीदा गांव में हुआ था, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्या आएगा कमेंट करके बताइए। 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी थी, किस स्थान पर, सेंट्रल जेल, जयस्तंभ चौक या माना विमानतल, मामा विमानतल, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा ए बी या सी, ठीक है। क्या आएगा ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। बाकी का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाकर पूरा वीडियो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, बस ओके, थैंक यू, धन्यवाद।